हिंदुस्तान दुनिया का बाहर एक ऐसा मुल्क है जो लोकतंत्र पूरी दुनिया में मनिया जाता, और लोकतंत्र की मजबूती अगर कुछ दिखनी हो तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान के अंदर लगती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में यह लोकतंत्र इं लगता है कि राजतंत्र बनिया रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह जरा कतल जम्मू कश्मीर के अंदर किया है वह सामने जाहिर हुई है, क्योंकि पिछले दिन एक आडियो जी वायरल हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता की आपसी बातचीत हुआ है, जो यह गल आखा करते कि मैं कुछ इलाका तुंदे कन्नै जोड़ी दिता। यह आखने का मतलब है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो गठन जम्मू कश्मीर लिए किया गया, वह डिलिमिटेशन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चला करता, और डिलिमिटेशन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में काम करा करता। जो लोग आरोप ला करते जी विपक्ष आरोप ला करता साफ सिद्ध हुई है, और रविंदर रैना और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्हें कल एक सफाई भी दी कि 8 महीने पुराना आडियो है। आखने का मतलब यह है कि 8 से 9 महीने पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू आया, इसका मतलब कि जहां तक उस वेले इस कमीशन की रिपोर्ट की बनाने का भारतीय जनता पार्टी काम करा करती ही थी, जहां फिर उस वेले पूरी तैयारी हुआ करती थी। सानू इं लगता है कि कमीशन लोगों के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आखने पर काम करा करता, लोगों के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सीटा जिताने का काम करा करता, फिक्स करा करता कि कितों कितों भारतीय जनता पार्टी की फायदा हो सकता। अस ये मांग करने कि इस कमीशन दी रिपोर्ट उपर परतियै सरकार ने संजीदगी दिखनी चाहिए, और अस जेड़ा जम्मू दा एक निजी चैनल है जिन्हें इस आडियो की लोके सामने लिया एक पर्दाफाश किया, अस आखने कि उस चैनल दी भी दाग देनी चाहिए जेड़ा लोकतंत्र की बचाने का प्रयास करा करता काम करा करता, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन जेड़ा है वो लोगों की अगुवाई लिए बनाया, लोगों की समस्या हल करने लिए बनाया, जां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो उनका मिशन पंजा आ उसी साबित करने लिए बनाया।